गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास। एज यू नो दैट इन द लास्ट सेशन आई टॉट यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दैट सेशन वॉज रिलेटेड टू अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस, बट टूडे आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिलेटेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ यू, लुक एट द बोर्ड एंड बी क्वाइट, एवरीथिंग विल बी इजी टू यू। सो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस related to interrogative sentences. As you know that interrogative sentences has two types. First one is the sentences are started with the helping verb, and second one is the sentences started with WH type words. WH type word means what, whom, where, why, such type. First of all, I will teach you the sentences start with helping verb. So look at the board. Formation of active voice related to when active voice start with helping verb. This is the general formation of active voice and passive voice. ये जरूरी नहीं है कि आपका टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपको जनरल रूल बताया जा रहा है। इसके माध्यम से आप किसी भी टेंस का पैसिव बनाना हो आप इजिली से बना सकते हैं। आपको केवल जो फर्स्ट वीडियो में बताया गया था किस टेंस में एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव किस में बनेगा, अगर डूडज है इज एम आर में बनेगा, इज एम आर में है इज एम आर के साथ बीन का है जो यूज होगा, हैज है तो हैज बीन है बीन में बनेगा, डिड है वाज वर्ब में बनेगा वाज वर्ब में है तो वाज वर्ब प्लस बीन में बनेगा, हैड है हैड बीन में बनेगा, विल सेल है विल बी सेल बीन में बनेगा, और विल हैव सेल है विल हैव सेल हैव बीन में बनेगा। आज वे थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट्स, लुक व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस रिलेटेड टू व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। द फर्स्ट एक्टिव वॉइस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर दैट मे बी नॉट, देन वर्ब मेन वर्ब, नॉट ओनली वर्ब व्हाट विल बी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट देन अदर। इट इज नेसेसरी टू मार्क मार्क ऑफ इंटरोगेशन। फॉर्मेशन ऑफ पैसिव विल बी एज यू नो दैट वी राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्लेस सब्जेक्ट राइट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, helping verb related to passive voice, then in place of subject we write object, after that not, if not is given in active voice then you have to write not in passive voice in a proper sequence as you write in the active voice. Always use third form of the main verb. After that, in place of object, we write by and subject, and other word will be in its own place. In place of subject, we write object. In place of object, we write subject, and all the words are in their proper place. So, students, there is main difference in
एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एग्जांपल देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट ही रखा जाता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं होगा। जैसा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक उसी तरह से पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर होगा। हर चीज़ें ध्यान रखना है, सिर्फ अंतर इसी बात का है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दिया है, ऐसे में भी हेल्पिंग वर्ब आ गई फर्स्ट नंबर पे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह में आपको बताया गया ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट रख दिया गया। नॉट अपने प्रॉपर प्लेस पे है, मेन वर्ब अपने प्रॉपर सीक्वेंस पे है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है। जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस का फॉर्म होगा, लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे तो केवल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं करना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट, अदर वर्ड अपने प्लेस पर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब डू इज गिवन, डू डज चेंज इनटू इज एम आर। हियर डू डज इज रिटन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट वी हैव टू राइट इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। If object is singular, then we use is. Object is plural, then we use are. If object is me, first person, then we have to use am in place of helping verb. यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग टू लगा हुआ है, लेकिन फिर पैसे में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? Do you not play football today? क्या आप आज फुटबॉल नहीं खेलते हो? तो क्या नहीं खेलते हो? फुटबॉल। आंसर क्या मिला? फुटबॉल। इट मींस फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुटबॉल इज सिंगुलर नाउन, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। सिंगुलर वर्ब इज यानी आपको क्या लिखना है, पहले इज फिर फुटबॉल लिखना है। जैसे नॉट दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, आपको नॉट लिख देना है। फिर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर प्ले का यूज किया गया है, लेकिन पैसिव फॉर्म पर है, पैसिव में किसका यूज होगा? थर्ड फॉर्म का। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या होगा, चूंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर तो ऑब्जेक्ट पहुंचा दिया, ऑब्जेक्ट पर प्लेस पर क्या होगा? बाय सब्जेक्ट, बाय यू, और टुडे आपका अपने प्लेस पर रहेगा। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेशन हुआ। एक से दो सेंटेंसेस और देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, दे स्टोलन माय वॉच। क्या लिखेंगे? हैज है लगा हुआ दे के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? माय वॉच। माय वॉच के अकॉर्डिंग हमें एक्टिव वर्ब लगानी होगी, हैज, हैज माय वॉच। हैज हैव का पैसिव किस में बनता है? हैज बीन, हैव बीन। क्या हो जाएगा? माय वॉच बीन स्टोलन बाय, देखा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, जब मेन एक्टिव वॉइस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, जब एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, उसी सीक्वेंस में पैसिव वॉइस भी एक्टिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखते हैं
When activities start with question word, the first of all we have to write question word. After that, acting verb, then subject, noun, main verb, object, and other verb. This is the formation of interrogative sentences. We have to change its sentence into passive. Then first of all we have to write object, question word. After that, acting verb. In place of subject, we have to write object. Not in a proper place, main verb third form of the main verb, object in place of object we have to write subject, other word is in your proper place. Students, look some example related to active voice start with question word. Example is style, why do they not purchase some books? We have to change this sentence into passive voice. As you know, this is WH, why is question word. We have to write question word in your proper place. Jaisa active voice mein diya gaya hai, same aisa hi passive voice mein karna hai. Do does का पैसिव इज एम आर में बनता है. डू लगा हुआ है दे के अकॉर्डिंग, लेकिन इज एम आर का यूज हमको करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? सम. व्हाई आर सम बुक्स नॉट. यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है. परचेज का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे. परचेज बाय देखा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देम. क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे. क्वेश्चन मार्क अपने प्रॉपर प्लेस पर आएगा. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. व्हाई हैव do not obey your parents? हम भी वाई लिख देंगे. पहले हैज है लगा हुआ है यू के अकॉर्डिंग, अब हमें लिखना है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग. हैज योर पेरेंट्स not being obeyed by you? It means इस तरह से हमारा एक्टिव पैसिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस फिनिश हुआ. आपको समझ में आ गया होगा. कल से आपको नया टॉपिक मिलेगा एक्टिव टू पैसिव रिलेटेड टू इंपरेटिव सेंटेंस. So students, ask class 3. Thank you. Have a nice day. Take care of you and your family.